देहरादून से चोपटा के लिए। रास्ते में कई सारे देखने वाली जगह है जो हम लोग कवर करते हुए जाएंगे, तो इस वीडियो में आगे बने रहिए मेरे साथ। ये गाड़ी हम लोग की आ गई है, अब हम लोग इससे आगे की जर्नी अपनी शुरू करते हैं। पहाड़ों के साथ हम भी चल रहे हैं। यहाँ पे पहाड़ आपके साथ चलते हैं। पहाड़ों से छन कर आती हुई सूरज की रोशनी चांदनी जैसी चमक रही है। पहाड़ों के उमड़ते घुमड़ते रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग आ पहुंचे हैं देवप्रयाग। सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं देवप्रयाग। सामने आप देख रहे हैं देवप्रयाग संगम। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और नाम दिया जाता है गंगा। नीचे चलते हैं संगम देख। कहाँ जा रहे हैं हम लोग डुगू? देख रहे हैं आप लोग देवप्रयाग में इधर से अलकनंदा और इधर से भागीरथी जी आ रही है, दोनों का संगम यहाँ पे होता है और आगे जाकर ये गंगा कहलाती है। पहुंचने ही वाले हैं, तब तक रास्ते का आनंद लीजिए। आठ दस घंटे चलने के बाद हम लोग फाइनली चोपटा ये पीछे पहुंच गए हैं। ये आप पहाड़ देख सकते हैं,
लोगों ने ये कैंप लिए हुए हैं रुकने के लिए। ये भाई साहब हैं, सामान लेके चल रहे हैं। दो दिन हम लोग इसी कैंप में रहेंगे पहाड़ों के बीच में। बाकी अभी अंदर चल के हम लोग का कैंप कैसा है अभी आपको दिखाते हैं। अब ये सारे लोग हम लोग अपने कैंप के लिए जाते हैं। अभी पहुंचे फिर देखते हैं कैसा है कैंप अंदर। ये सब पीछे आ रहे हैं। ये ऊपर आप हिमालय पर्वत रेंज देख सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा एडवेंचर कैंप टाइप का है। सूरज की रोशनी पहाड़ों पे चमक रही है चांदी की तरह। कौन सा कैंप है हम लोग? ये वाला और ये वाला, एक ये है और एक ये, दो कैंप है। हाँ हाँ, और ये ऊपर आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं, शायद चांदी फुटेज में आ रहा हो। आने में इधर काफ़ी मेहनत तो लगी हम लोगों को, समय भी ज़्यादा लगा, लेकिन रास्ते और जो ये नज़ारे हैं पहाड़ों के बीच में, मतलब आप अगर इधर आते हैं और आपका प्लान बनता है तो एक दिन यहाँ पे रुकने लायक है। एक बार वापस से आपको कैम्प कैसे हैं और क्या नज़ारे हैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं ये चांद आ रहा है फ्रेम में कि नहीं। ये कैंप वालों ने खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे। आप आराम से आके बैठिए और ये आपको खाना सर्व करेंगे और आराम से खाइए आप यहाँ पे। बाकी इनका किचन भी आपको दिखाते हैं। नहीं, ये इनका किचन है। जो भी आपको खाना पीना हो भाई साहब को बताइए, खिलाएंगे। ये तो बिना था टेम्पल, ये तुंगनाथ टेम्पल है। कल सुबह हम लोग जाएंगे यहाँ। आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चोटा हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। कल सुबह हम लोग तुंगनाथ की ट्रैक करेंगे और शायद ऊपर चंद्रशिला पीक पे भी जाएँ। तो मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।